Hello student, today we discuss about natural rubber. Rubber is an elastic hydrocarbon polymer which is milky. Rubber एक elastic polymer है, hydrocarbon से बना है, that means hydrogen and carbon से बना हुआ है, which is milky. Milky form में आपको plant से मिलेगा, emulsion in the sap of several varieties of plant. एक sticky substance, milky substance आपको plant से, several varieties of plant से आपको मिलेगा. प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्की लिक्विड कॉल्ड लैटेक्स. जो लिक्विड मिल्की लिक्विड आपको प्लांट से मिलेगा उस मिल्की लिक्विड को हम बोलेंगे लैटेक्स. इट इज़ नोन एज इलास्टोमर. इलास्टोमर में हमने पढ़ाई है. इलास्टोमर्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? इलास्टिसिटी, स्ट्रेच होगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में चला जाएगा. दैट मीन्स रबर शो ए प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टोमर्स. देन नेक्स्ट, रबर मेड आइटम्स फाइंड लार्ज एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. हाउस होल्ड आइटम्स सच एज शूज, क्लॉथ्स, रिमोट कंट्रोल, स्टोरेज बिन्स. डेली लाइफ में हम बहुत सारे आइटम्स रबर से बने हुए यूज़ करते हैं, जैसे कि शूज़, क्लॉथ्स, रिमोट कंट्रोल्स, स्टोरेज बिन्स एक्सेट्रा. अभी देखेंगे कि नेचुरल रबर बनता कैसे है, उसके लिए कौन सा मोनोमर हमको यूज़ करना पड़ता है. तो आइसोप्रीन आपको दिख रहा है. आइसोप्रीन इज ए मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर. आइसोप्रीन इज मेड बाय प्रोसेसिंग ऑफ लैटेक्स. लैटेक्स मतलब जो आपको प्लांट से एक मिल्की लिक्विड मिलेगा, उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करके एक सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम बोलेंगे आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज ए कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द फार्मूला ऑफ आइसोप्रीन. इट इज पॉलीमराइज टू गिव पॉली आइसोप्रीन. पॉली आइसोप्रीन इज नथिंग बट द नेचुरल रबर. एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइंस होंगे अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ए नेचुरल रबर. आपको नेचुरल रबर मिलेगा. इसका फार्मूला आपको याद रखने के लिए बोलो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. आइसोप्रीन में लास्ट में डबल बॉन्ड है, लेकिन नेचुरल रबर में मिडल में एक डबल बॉन्ड है, लास्ट में डबल बॉन्ड नहीं है. तो आप ऐसा इसको याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. नेचुरल रबर की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है वल्कनाइजेशन. नेचुरल रबर इज वल्कनाइज टू इम्प्रूव इट्स कैरेक्टरिस्टिक सो दैट इट्स यूजेस कुड बी वाइडर. नेचुरल रबर को वल्कनाइज करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव हो जाएंगी. जब क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक इम्प्रूव हो जाएंगी, तो उसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा होगा. वल्कनाइज रबर इज़ रबर दैट हैज़ बीन हीटेड विद सल्फर. वल्कनाइज रबर एक ऐसा रबर होता है कि जिसको हमको सल्फर के साथ हीट करके बनाना पड़ता है. वल्कनाइज रबर इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय सुकिंग द रबर इन ए सोल्यूशन ऑफ डाई सल्फर डाई क्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड. वल्कनाइज लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन यूज़ करना है डाई सल्फर डाई क्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड भी हम यूज़ कर सकते हैं. उसमें नेचुरल रबर को सोक करके रखना है, डीप करके रखना है इन लेबोरेटरी. रबर मॉलिक्यूल्स हैव डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. अभी हमने जो फार्मूला देखा है रबर का, उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. सल्फर एटम्स रिएक्ट्स विद द डबल बॉन्ड्स इन द रबर मॉलिक्यूल चेन टू फॉर्म CSSC क्रॉस लिंक बिटवीन द रबर मॉलिक्यूल्स. रबर मॉलिक्यूल्स में आपको क्रॉस लिंकिंग दिखेगी. नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि कैसे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होने के बाद रबर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. और ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड लीनियर पॉलीमर. In this reaction, show the vulcanization of rubber. Vulcanization is a chemical process for converting rubber or related polymers into more durable materials via the addition of sulfur or other equivalent grades. Vulcanization एक ऐसी process है जो कि rubber को more durable material, that means अच्छे qualities का material बनाने के लिए हमको vulcanization करना पड़ता है with the addition of sulfur and other chemicals का use करके आपको रबर का वल्कनाइजेशन करना है. देखो यहाँ पे पॉली आइसोप्रीन का फार्मूला दिख रहा है आपको. ए बॉन्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे.
सल्फर की एडिशन हो रही है, दिस इज सल्फर। सल्फर की एडिशन होने के बाद आपको एक क्रॉस लिंक पॉली आइसोप्रीन मिल रहा। क्रॉस लिंक मतलब देखो एक स्ट्रेट चेन है और उसके बीच बीच में आपको बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं, जो फर्स्ट चेन का कार्बन है जो कि सेकंड चेन के कार्बन के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ दिस सल्फर। बीच बीच में आपको सल्फर के एटम दिख रहे हैं। दिस इज़ द क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर ऑफ पॉली आइसोप्रीन, दिस इज़ वल्कनाइज रबर। देन नेक्स्ट इज़ नेचुरल रबर वर्सेस वल्कनाइज रबर। नेचुरल रबर में और वल्कनाइज रबर में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, फर्स्ट डिफरेंस इज नेचुरल रबर इज़ सॉफ्ट एंड वल्कनाइज रबर इज़ हार्ड। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है, वल्कनाइज रबर हार्ड होता है। देन नेचुरल रबर लेस इलास्टिक एंड वल्कनाइज रबर इज़ मोर इलास्टिक। नेचुरल रबर लेस इलास्टिसिटी शो करता है, लेकिन वल्कनाइज रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिसिटी शो करेगा। देन नेचुरल रबर नॉन हीट रेजिस्टेंस एंड वल्कनाइज रबर इज़ मोर हीट रेजिस्टेंस। ज़्यादा कम हीट रेजिस्ट कर सकता है नेचुरल रबर एंड ज़्यादा हीट रेजिस्ट करेगा वल्कनाइज रबर। देन नेचुरल रबर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नेचुरल रबर जल्दी से मेल्ट हो जाएगा इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन वल्कनाइज रबर को मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, दैट मीन ज़्यादा होगा। देन नेचुरल रबर इज़ इजीली ऑक्सीडाइज होगा। देन वल्कनाइज रबर रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट, नेचुरल रबर लीनियर चेन स्ट्रक्चर शो करेगा। आपको स्ट्रेट चेन दिख रही नेचुरल रबर में, लेकिन वल्कनाइज रबर में आपको क्रॉस लिंकिंग दिखेगी, दैट्स व्हाई दिस इज़ अ क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी, देन फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस, नो डैमेज व्हाइल रबिंग। आप उसको रब करोगे तो उसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं आएगा। इंसुलेट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। एसिड एंड अल्कलाइन रेजिस्टेंस, दैट मीन्स एसिड और बेस के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो एसिड और बेस को रेजिस्ट करेगा। देन वाटर प्रूफ और रिपेलेंट, उसके ऊपर वाटर गिरेगा तो वो मॉइस्ट नहीं होगा, दैट मीन्स वो वाटर को रिपेल करेगा। सो दिस इज़ अबाउट नेचुरल रबर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीथीन।